भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, विद्याभूषण शुक्ल जी, भाई उदोराम वर्मा जी, जनक राम वर्मा जी, सियाराम साहू जी, सियाराम कौशिक जी, चंद्रमान बारमते जी, सौरभ मिश्रा जी, छाया वर्मा जी, सुशील शर्मा जी, महेंद्र देवांगन जी, नारायण कुर्रे जी, किरणमयी नायक जी, भाई विजय देवांगन जी, नंदलाल देवांगन जी, हेमंत देवांगन जी, कृष्णा भाले जी, बलदाव भाले जी, उत्तरा कमल भारती जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, अश्विनी वर्मा जी, खुबी डहरिया जी, नवल गोयल जी, नीरज चौहान जी, सरोजनी वर्मा जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, रामशरण यादव जी, प्रमोद नायक जी, अरुण चौहान जी, शरद लोहानी लोहाना जी, हितेन ठाकुर जी, राम कुमार पटेल जी, सरिता ठाकुर जी, ज्ञानेश शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, पंकज भाई और सबो हमारे जिला पंचायत के सब सदस्य मन, भाई राकेश वर्मा जी, भाई राजेंद्र शुक्ल जी, तुलसी वर्मा जी, शांता वर्मा जी, आत्मा छत्री जी, बहुत जन उन मंच में बैठे काकरों नाम नहीं ले पाए हूँ, सबसे क्षमा चाहते हुए सब जन ला नमस्कार करते हुए आओ देवांगन परिवार के सबो सदस्य मन, भाऊजी मन तक आए ओम अल्लाह प्रणाम। साथ ही उपस्थित महाविद्यालय परिवार के सब सदस्य मन, छात्र छात्रा मन, सबो गणमान्य नागरिक मन, अतिथि मन, किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, हमार पार्टी के सब पदाधिकारी मन, कार्यकर्ता मन, कलाकार मन और आखिरी में सब अधिकारी मन और पत्रकार संगवारी मन, आज कॉलेज बिल्डिंग के लोकार्पण और एकर नाम स्वर्गीय दाऊ राम प्रसाद जी देवांगन के नाम से रखे गए, जिन शिक्षा के बर निरंतर प्रयासरत रहे विद्यालय बिल्डिंग के बर अनेक बार दान भी दे चुके हैं, तो ऐसा जिन शिक्षा के प्रति समर्पित होकर जीवन और उकर नाम से ये नामकरण किए गए हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिन जीवन भर इस क्षेत्र के लड़का मन के भविष्य ला सुरक्षित करे बर सन 1959 में 4 एकड़ जमीन दान दे रही से, और जब भी मौका मिले शिक्षा पर जमीन धन उपलब्ध कराए बर कभी पीछे नहीं रहे, तैसन व्यक्ति के नाम से ये भवन रखे गए है, तो मैं उगर ला श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हुए आज उगर पुण्यतिथि, साथ ही अभी चौबे जी के, शिव डहरिया जी के, अनीता के भाषण भी सुने, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मांग भी रखे है, साथ ही हमारे शासन की योजना मन के बारे में आदरणीय चौबे जी और डहरिया जी बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करें। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के सत्र सिरही, विधानसभा में बहुत अकन विपक्ष मुद्दा रखरी से, तेम एक ठक मुद्दा 3.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाए रही से, वो अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के हमार संगवारी मन जिन आरोप लगाए है, वो आरोप छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर नहीं बल्कि आम जनता ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक साथी मन केस कि यहां रेवड़ी बांटना बंद करो, तो मतलब पूछें
कि तुमन अविश्वास प्रस्ताव लाए हो और रेवड़ी बांटे बात करा था। तो का बात के विश्वास प्रस्ताव लाए है तुमन है? किसान के धान ल हमन खरीदा थन ते बात के अविश्वास है। 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे तेकर बात के अविश्वास है। कि बिजली बिल आधा दे थन तेन बात के अविश्वास है। कि किसान मन के 3 और 5 हॉर्स पावर के बिजली बिल में छूट दे थन तेन बात के अविश्वास है। कि गरीब मतलब 35 किलो चावल दे थन तेन बात के विश्वास है। का बात का विश्वास रखा था करा था तुमन और काला रेवड़ी बांटना कहा था का रेवड़ी ही मतलब कहा जिन किसान मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मतलब जेल अपन पैर में खड़ा हो बर सरकार कुछ मदद कर दी कुछ सहयोग कर दी ओला रेवड़ी कहा था। किसान के आज माथा में चिंता के लकीर नहीं है ऋण माफी करें। तुमन तो केवल नारा भर लगात रहे दे दुआए कुछ नहीं। पटवा एक समय पटवा जी सरकार जी से तकेरी इसके हम ऋण माफी करबो वो 200 करोड़ या 106 करोड़ रुपया माफ कर रही से पूरा प्रदेश भर में हल्ला कर रही है कि हम ऋण माफी करें। हम 9000 करोड़ से अधिक के राशि 19 लाख किसान के माफ करें। पूरा प्रदेश में आज तक के एकर से ज्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के बीच में अब का एकर से ज्यादा ऋण माफी एकर पहली कभी नहीं हुआ। तेला रेवड़ी बांटना कहना कहते हैं 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदू कहें। केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के राशि हम आवंटित करे थे। कोरोना काल रही से लॉकडाउन लगे रही से किसान मन उस समय कहा कि पता नहीं गए कहाँ पैसा दी। लेकिन नौजवान लड़का मन व्हाट्सएप में टिकटॉक में सब मैसेज भेज कका है तो भरोसा है भूपेश है तो भरोसा है और कका अभी उस समय विश्वास रही से विश्वास ला कायम रखते हुए हमें 4 किस्त में राशि देन। 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस के दिन 20 अगस्त राजीव जी के जयंती के अवसर में 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस में और 31 मार्च के साल के आखिरी 4 किस्त। अभी एक जन कहा आदरी से अब रोपा बियासी हो गए पैसा सिरा गए कहा थे किस्त कब आई तो मैं बोल के 20 तारीख की आई। बेटी माई मन भी बड़े संख्या में आए हैं। तीजा 28 तारीख के पड़ा थे 20 तारीख के पैसा दूं लुगरल बने लुहू उचा तो हर मैके खातम पैसा डाला था मैं कोई कमी नहीं आमदन। देवारी पर भी 1 नवंबर के आसपास देवारी पर थे तीज त्योहार भी है और बाद धान लुए उन्हारी वो एक सीजन भी है उस समय हम पैसा दे था। आज पूरा प्रदेश में सियान मन बैठे सामने में बड़े बड़े किसान मन भी मंच में बैठे हैं और बगल में भी दिखा थे ट्रैक्टर के किस्त नहीं पटा तरी से तो बैंक वाला मन ट्रैक्टर खींच के ले जा रही। आज ये 3.5 साल हो गए कोनो किसान के ट्रैक्टर खिंचात नहीं है काबर कि डाउन पेमेंट के बेरा में हमारे किस्त पहुंच जाते उसका खाता में। सही बात है कि नहीं? चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कार जीप हो डाउन पेमेंट के बेरा में पैसा पहुंच जाते बैंक वाला मन है उसका खाता देखते कतका खेती कतका कम धान बेचे कतका उसका किस्त आई ज्यादा पूछे पूछाए नहीं तुरंत स्वीकृत करत कावर की बैंक वाला मतलब पता है। अभी रघु राजन जी आ रही से आरबीआई के पूर्व गवर्नर बहुत बड़े अर्थशास्त्री रायपुर आ रही से बैंक वाला मतलब छत्तीसगढ़ के किसान ऊपर विश्वास है और छत्तीसगढ़ के किसान ला छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सरकार ऊपर विश्वास है। रमा सिंह नो है जे ना 370 रुपया दू के रिश्ते ठग दे रही से 300 रुपया दू के रिश्ते ठग दे रही से चुनाव बछर में बोनस और 3 साल बोनस
हमार सरकार लॉकडाउन और कोरोना के समय भी पैसा दे, भारत सरकार हमार चावल नहीं खरीदे तेकर बाद भी हमार धान ला खरीदे, हमार ये चावल नहीं लाओ के हमार ओपन मार्केट में नीलाम करेल पड़े रही, सैकड़ों करोड़ रुपया के घाटा हो रही से ओकर बाद भी हमार खरीदी करें, आज ये मन किसे रेवड़ी माटा थे, गरीब आदमी 7,000 रुपया सालाना दे थे जेकर कर एक डिसमिल जमीन नहीं खेती के, बोला ये रेवड़ी कहा थे, हमार लड़का मन पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, प्राइवेट स्कूल मन में फीस नहीं पटा आदमी से बड़े बड़े आदमी मन पढ़ाए, गरीब आदमी किसान आदमी कौन सौ कट रहे लड़का पढ़ाए कि तो जमीन ला बेचल पड़ जाते, छोटे मोटी नौकरी है तो कैसे तन महीना पूरा है तनख्वाह कब आए होकर फीस जमा करा, ऐसे ढंग की स्थिति रही से, आज सैकड़ों तादाद में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला था, शहर शहर में गांव गांव में खुला थे, गांव गांव मांग आते यूं मांग करे अनिता स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के, करोड़ों भी खोले और बहुत शानदार खोले, बहुत भव्य जैसे एक कॉलेज बिल्डिंग बने वैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बिल्डिंग बनी, काबर के तुम्हारे स्कूल चला थे 1300-1400 छात्र छात्रा मने, अभी तुम खुलवा दू तो फिर लेके मन जाए कहाँ, तेकर से पहले बिल्डिंग ला बनाना है और अगले साल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुल ही, ये बात की भी घोषणा करत तेला रेड़ी बांटना कहा थे मन, अभी हमन है सांस्कृतिक बात आ जानी चौबे जी बहुत अच्छा से रखा दृश्य क्या मन है, हमार सरकार आम जनता के गरीब के किसान के मजदूर के आय में कैसे वृद्धि हो, एकर बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते गोधन न्याय योजना के माध्यम से, गौपालक मन के डेयरी चलाने वाला के गांव में आजकल तो स्थिति है कि गिरीश देवांगन घर जमीन है, गोर्रा हवे ग्यारह हवे, लेकिन स्थिति का है दाऊ गोर्रा में मूसो मन कबड्डी खेला थे और जेकर कर जमीन नहीं तेकर मन घर गरवा है, ऐसा स्थिति देखते हुए किसान के जमीन ल भी बचाना है, गौ पालन करना चाहते ओकरो मन के अर्थव्यवस्था ल मजबूत करना है, हमन गोबर खरीदे शुरू करें, 2 रुपया किलो 2 साल होए 75 लाख क्विंटल हमन गोबर खरीद ले, 150 करोड़ गरीब आदमी मन के डेयरी चलाने वाले उनके पशुपालक मन के खाता में गए, ये साल तो हमें 4 रुपया लीटर में गौमूत्र भी खरीदे फैसला करें, ताकि गौ पालन करने है महंगा मत पड़े, ये भाजपा वाला मन तो हमेशा गौ माता के जय बोलाते गौ माता के नाम से वोट मांगते लेकिन करे कुछ नहीं, हमार सरकार ये जिन गौ माता के सही मायने में सेवा करत, डेयरी कैसे आगे बढ़ाए तेकर हमार चिंता, उसने भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना मजदूर लभी सपना देखे का अधिकार है, ओकरो लड़का मन के अच्छा पढ़े लिखाए अच्छा कपड़ा लत्ता पहने ओढ़े ओकरो मन पर 7,000 रुपया सालाना, ये प्रकार के मन व्यवस्था करें और ओकरे साथ साथ चौबे जी जिन बात के संस्कृति के संस्कृति बचाए के बात ओकरो उपहास मन उड़ात रही इसी विधानसभा में, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दे योगी से किया छुट्टी दे जरूरत नहीं है, विधानसभा में रिकॉर्डेड भाषण होकर मन के छत्तीसगढ़िया मन हमेशा उमन हीन भावना से देखे, चाहे किसान हो मजदूर हो चाहे गांव का रहिया हो चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, एकर हमेशा उपेक्षा करे भाषण दे के एकर जरूरत नहीं रिस, और हमन है हरेली पहली छुट्टी पहली तिहार हमारे छत्तीसगढ़िया मन के ओकर छुट्टी तीजा की छुट्टी विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी कर्मा जयंती की छुट्टी छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी, ये लगातार हम देन मुख्यमंत्री निवास में तो बड़े बड़े आदमी मन जात रही पहले हमन का एक आध बार चल गए वो नहीं तो हम जात तक नहीं रहे 15 साल ले गए नहीं रहे, अब आम आदमी पर गरीब आदमी पर खुले हरेली तिहार में सब
गाय गरवा ले के सब हरेली तिहार मनात हन। अभी तीजा पोरा बार अब बेटी माई मन जा दे किरण है छाया है मन सब तैयारी कर रहे। तीजा बार तैयारी अपन मन भर लुगराहू छाट कर रख रहे हैं बने हुई पाए कहा था मोर को दिन माचा में ये जन प्रदेश है तेन हम सब के प्रदेश। हमार तीज त्योहार हमार खान पान हमार रहन सहन ये सब हमार मन के पहचान। और ये ला जन मन हीन भावना से देखे एक बात करते राम वनगमन पर्यटन पर पद बनाथन तो आदिवासी मन के देवगुड़ी और गोटुल भी बनाथन हम गुरु घासीदास जी के जन तपोभूमि है वोन विकास करे हमन निर्णय ले हन। तो जिन हमार बौद्ध सर्किट सिरपुर के ओकरो उन्नयन ओकरो विकास करे के हमन फैसला करें तो हमार जिन पहचान है हमार छत्तीसगढ़ के हमार गांव गांव रामायण होते रामायण समिति मन भर भी 10 करोड़ के बजट में प्रावधान रखें ताकि हमार जिन पहचान है हमार संस्कृति है तेल हमन आगे बढ़ा सका। ये हमार मन के प्रयास। तो आज बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए कुछ मांग हमार विधायक जी रखे है। एक तो मोरेंगा कठिया मार्ग बनाए के बात कहे ओकरो में घोषणा करा था। मढ़ी कोदवा मार्ग बनाए के मांग करे ओकरो घोषणा करा था। खरोरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भवन निर्माण और आगामी सत्र में शुरू करे की भी घोषणा करा था। और साथ ही साथ शहीद युगल किशोर वर्मा जी के नाम से कनके हाई स्कूल और स्वर्गीय मंडल दास जी लहरे के नाम से मोरेंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम करे घोषणा करा था। एक साथ साथ आप सब ल आज वैसे पंडित रविशंकर शुक्ल जी के पंडित विद्याचरण शुक्ल जी के आज जयंती है उन नमन करथन। दाऊ राम प्रसाद जी देवांगन के आज पुण्यतिथि उन नमन करथन। और आज सब जवान लेके मतलब भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज नाग पंचमी है हैं? अच्छा प्रमोद कहा थे घर में जाकर दूध पी लूं कहा थे साफ मतलब दूध पिया के रिथे। लेकिन आज जवान लड़का मन आज कुश्ती वगैरह लड़ते होकर नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो नाग पंचमी की भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भूपेश भैया। आप मन के जो घोषणा कर दी तो एक बार जोरदार ताली बजा के जिंदाबाद के नारा लगा के हमर मुख्यमंत्री के उत्साह वर्धन करो। भूपेश भैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। अब कुछ हितग्राही मल्ला केक वितरण करे जाना है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरोड़ा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। और इसके अलावा जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी की थी 2018 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। हाल ही में जिस तरह से संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, इस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी कि सरकार लगातार विकास के काम करती जा रही है और जहां पर जरूरत होता है वहां जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वो खुद पहुंचते हैं और विकास कार्यों का जायजा भी वो लेते हैं। जहां कहीं भी जरूरत होती है वहां पर घोषणाएं भी करते हैं। जिस तरह से खरोड़ा की ही बात की जाए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर लंबे वक्त से एक महाविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो स्थानीय छात्र हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्थानीय क्षेत्र में ही उन्हें जो उपयोगी शिक्षा है वो मिल पाएगी। नवीन कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्वर्गीय राम प्रसाद की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। नवीन कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। न्याय योजना का भी जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया कि किस तरह से किश्तों में किसानों के खातों में पैसा जमा कर रही है भूपेश बघेल सरकार, और गौठानों का जिस तरह से निर्माण हुआ है, ऐसे में जो खुले पशु हैं उन्हें भी संरक्षण मिल रहा है। सरकार ने गोबर खरीदने की शुरुआत की थी और देश की पहली ऐसी सरकार बनी थी जिसने गोबर की खरीदारी की, और अब देश की पहली ऐसी राज्य सरकार बनने जा रही है जो गौमूत्र की भी खरीदी करेगी। 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र भी खरीदा जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों उसकी शुरुआत भी कर चुके हैं और सबसे पहले वो खरीदार बने थे गौमूत्र के। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने इसकी खरीदारी की थी। खरोरा में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कई विकास कार्यों की सौगात देने के लिए खरोरा पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद हैं, कृषि और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे। देवांगन जी के नाम से महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ और जिससे आसपास के छात्र छात्राओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही विधायक जी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात की और दो जो प्रमुख मार्ग है वो जिस जो बहुत ही ख़राब हो चुका है कठिया कोदवा, ये दोनों मार्ग के उन्नयन के लिए उन्होंने बात की, उसकी घोषणा मैंने की है। ये सरकार लगातार अभी तक 1000 ट्रेनें बंद कर चुकी है और जिससे यात्रीगणों को, खासकर जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, इसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, सभी वर्गों के लिए आप नई योजनाएं ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो हम जैसे युवा महिलाओं के लिए आपका क्या सौगात है? बहुत सारी योजनाएं हैं, आप योजनाओं का अध्ययन करिए, उसका लाभ उठाइए। सर, ये बंगाल माननीय मोदी आपने खरोड़ा के मुख्य मार्ग की माननीय विधायक ने चर्चा की है। अच्छा, उन्होंने चर्चा की है कि एक मुख्य मार्ग की आपको सौगात दी है जिसके लाइट हो। अच्छा, वो तो नगर पंचायत करते हैं। चलो सर, ये बंगाल में जिस तरीके से पैसा मिला, उसके बाद झारखंड में जिस तरीके विधायकों के गाड़ियों से पैसा मिला, क्या लग रहा है सर, साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम? देखिए, जहाँ गलत है उसके उसका कोई हम समर्थन नहीं करेंगे, गलत है वो गलत है, लेकिन साजिशन यदि गिरफ्तारी होती है प्रताड़ित करने के लिए, उसका हम विरोध करते हैं। अभी जिस प्रकार से झारखंड के विधायकों खरीदने की व्यवस्था की, भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, और वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? दूसरी, नेशनल हेराल्ड जो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों ने देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना की थी, आज ईडी वहाँ छापा मारी, कांग्रेस को, कांग्रेस से समर्थित लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश, और इस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग करे, उसकी हम निंदा करते हैं। अजय, भूपेश बघेल खरोरा पहुंचे हुए थे और विभिन्न विषयों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली में ईडी दफ्तर में छानबीन जारी है, इस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जहां गलत है सिर्फ वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंसी है उनका भी दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से यहां पर जिक्र किया नेशनल हेराल्ड केस का। और खरोरा में आपको बता दें, नवीन कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं और अब स्थानीय स्तर पर ही बच्चों को उचित शिक्षा खरोड़ा में मिल पाएगी, क्योंकि पहले बड़े शहरों का उन्हें रुख करना पड़ता था स्कूल के बाद, लेकिन अब स्थानीय क्षेत्र में ही अपने घर पर रहकर ही वो पढ़ाई कर सकेंगे, खरोड़ा में शिक्षा व्यवस्थाओं का लाभ वो उठा सकते हैं।
स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज इस नवनिर्मित कॉलेज का नाम रखा गया है। स्वर्गीय रामप्रसाद की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करने के लिए मंच पर पहुंचे। विभिन्न संघ के लोग पहुंचे, पत्रकार संघ ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया है। और एक भव्य कार्यक्रम आज खरोड़ा में आयोजित किया गया था। विकास कार्यों की सौगात आज खरोड़ा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस दौरे के अनुरूप मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब खरोड़ा से वापस रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है और कार्यक्रम को संबोधित मुख्यमंत्री ने किया। इसके बाद पत्रकारों के सामने भी अपनी बात रखी, तमाम उपलब्धियां सरकार की गिनाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री ने आड़े हाथों लिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब खरोड़ा पहुंचे तब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया, पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और पत्रकार संघ ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। और अब सीएम भूपेश बघेल का काफिला खरोड़ा से रवाना होगा। 3,91,00,000 रुपए की लागत से आपको बता दें इस नए कॉलेज भवन का निर्माण किया गया है और स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन के नाम पर इस कॉलेज को रखा गया है। स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी सीएम भूपेश बघेल ने आज किया है और एक बड़ी लागत से इस नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। और विधानसभा चुनाव अगले साल छत्तीसगढ़ में होने, इसके ठीक पहले अलग अलग विधानसभाओं का दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कर रहे हैं और हमने देखा कि जन चौपाल भी मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर लगाई है और एक बार फिर से उनके इस दौरे की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र के चलते उनका दौरा जरूर टल गया था लेकिन सत्रावसान के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा शुरू हो चुका है। आज खरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और विकास कार्यों की खरोड़ा वासियों को सौगात दी। खरोड़ा, पलारी, बलौदा बाजार ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो आपस में लगते हैं, इनकी सीमाएँ लगती हैं और यहाँ के जो छात्र हैं वो उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। कुछ छात्र रायपुर में रहकर पढ़ाई करते हैं, कुछ को भिलाई दुर्ग में भी रहना पड़ता है, कुछ छात्र राजनांदगांव में भी रहते हैं। लेकिन अब इस महाविद्यालय के खुलने से सरकार को ये विश्वास है कि स्थानीय स्तर में ही विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। एक अच्छे कॉलेज की मांग लगातार यहाँ पर की भी जा रही थी।